नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। सोमवार को पीएम मोदी जापान पहुंचे, यहां वे क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मोदी भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया गया। जापानी बच्चों की हिंदी सुनकर गदगद हुए पीएम मोदी। कोरोना से उभरी अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई नई चुनौती बन गई है। सरकार इसे रोकने के लिए नए नए उपाय कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की। अब सरकार महंगाई को रोकने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में अतिरिक्त 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। होशियारपुर के ख्याला बुलंदा गांव में आवारा कुत्तों से बचने के लिए भाग रहा 6 साल का बच्चा 300 फुट गहरे बोरवेल में गिरा। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी घटा पेट्रोल डीजल पर वेट। राज्य में पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए मूल्य प्रति लीटर सस्ता। राजस्थान और केरल ने भी घटाया पेट्रोल डीजल से वेट। WHO प्रमुख टेड्रोस अदानोस घेब्रियसिस की चेतावनी, कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। कम आय वाले देशों के करीब 1 अरब लोगों को अब भी कोविड रोधी टीके की खुराक नहीं दी जा सकी। नमूनों की जांच और अनुक्रमण में कमी का मतलब है कि हम वायरस की उपस्थिति को लेकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं। इंसाकोग ने कोरोना वायरस के स्वरूप ओमिक्रॉन के 2 उपस्वरूप BA.4 और BA.5 की भारत में मौजूदगी की पुष्टि की। इनमें से एक मामला तमिलनाडु जबकि दूसरा मामला तेलंगाना में पाया गया। बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है जहां मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित लोगों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। अब तक 14 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था कि अब मंकी पॉक्स वायरस के कारण दुनिया दहशत में है। पंजाब किंग्स ने IPL के आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लियाम लिविंगस्टोन ने पंजाब के लिए 22 गेंद में 5 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट का 1000वां छक्का भी जड़ा। क्या चीन करेगा ताइवान पर हमला? दरअसल चीन के एक टॉप जनरलों का एक ऑडियो लीक हुआ है और इस ऑडियो क्लिप पर यकीन करें तो ये बात सच हो सकती है। ये ऑडियो चीन में पैदा हुई एक मानव अधिकार कार्यकर्ता ने जारी किया है। ये क्लिप 57 मिनट की है। इसमें चीन के टॉप वॉर जनरल चर्चा कर रहे हैं कि ताइवान में जंग कैसे छेड़ी जाए और किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जाए। भीषण गर्मी के बाद अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में तो इसका असर भी नजर आने लगा है। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। आंधी की वजह से यातायात भी बाधित रहा। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।